हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरे एक नई छोटे से वीडियो पर। तो भाई आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ब्लो लैंप के जरिए किस तरह सोल्डरिंग किया जाता है। भाई पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ यार, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले सोल्डरिंग रोड को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, डिफरेंट व्यू एंगल्स आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रहा सोल्डरिंग रोड, या तो सोल्डरिंग फेस्ट बोल सकते हैं, आपको जिस नाम से जानते हो वही सही रहेगा। ये रहा ब्लो लैंप, आपको इमेज के जरिए दिखा रहा हूँ। और ये रहा देखिए, जब उसका नली जाम हो जाता है तो इसे हम लोग अंदर डाल करके निकाल देते हैं उसका एयर। तो देखिए, ये तो 8 सोल्डरिंग रोड है जो कि हम लोग को काम करके कंप्लीट करना था। भाई आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा पता चल सके। और ये रहा ओरिजिनल, जब काम करोगे तो इस तरह इसका हालत हो जाता है, जो कि देखिए किस तरह दिख रहा है, इमेज में किस तरह दिख रहा था। और देखिए इस तरह जलाते हैं। और भाई लोग, ये रहा इसका सिस्टम जो यहाँ पर एयर प्रेस कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए, जब इसका नलका जाम हो जाता है तो इससे हम लोग निकाल देते हैं इसका एयर को, ताकि इसमें अच्छे से जो भी हम लोग जला रहे हैं वो जल सके। और उसका सामना को और देखिए, जो कि चोंच बोल सकते हैं या तो उससे जो भी, बहुत एकदम मस्त तरीके से निकलता है आग। और इसी आग को जलाने के बाद में भाई आप देख सकते हो, ये रहा सोल्डरिंग रोड जो कि हम लोग उसको मेल्ट कर रहे हैं ब्लू लैंप के जरिए। एकदम हम लोग का जो भी ब्लो लैंप है जल चुका है और बिल्कुल पता आपको नहीं चलेगा। भाई देखिए, इतना स्मूथ से जलता है कि क्या ही बोले। ये किरोसिन वाला ब्लो लैंप है, किरोसिन से इसको जलाया जा रहा है। और देखिए, जूम करके भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये तो पेस्ट बन रहा है, पेस्ट बनने के बाद में इसको हम लोग जिस जगह पर यूज़ करने वाले हैं उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई अच्छा से दिखा दे रहा हूँ यार, देखो आप लोग, जूम इन और जूम आउट करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो जो भी सोल्डरिंग पेस्ट के नीचे गिर जाता है उसको वेस्ट ना हो, इसलिए उसको फिर से हम लोग टुकड़े को उठा लेते हैं और डालते हैं। और फिर ख़त्म हो जाने के बाद फिर से नया प्रोसेस चालू, फिर नया रोड लेते हैं और इसमें हम लोग इसको मेल्ट करते हैं ब्लो लैंप के जरिए। ये बहुत ही सिंपल है भाई, क्योंकि ये किरोसिन से चलता है। और देखिए, सोल्डरिंग लगाने से पहले जो भी वायर में कार्बन जमा रहता है उसके लिए इस वायर को थोड़ा सा लगा देते हैं आग, ताकि सोल्डरिंग पेस्ट अच्छा से पकड़े और कार्बन निकल जाए। तो भाई देखिए, इस तरह इसका प्रोसेस होता है। इसका यूज़ सब बहुत जगह पर होता है, जैसे KMC बॉक्स सब में भी हो सकता है ऐसे पेस्ट को लगाने के लिए, बट यहाँ पर तो लोकेशन बॉक्स में यूज़ किया जा रहा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।